गुड मॉर्निंग एवरीवन, उम्मीद करते हैं तुसी सारे ठीक ठाक होगे। और हुन थोड़े थोड़े कोविड दे केस वध रहे ने, सारे अपना ध्यान रखेंगे, मैं भी रख रही हूँ। आज मैं रोज दी तरह आज कल भी लोक अदालत सी, आज भी लोक अदालत है, तुहाडे नाल एक बड़े संजीदा बहुत देर बाद मिलना हो रहा है। कई बारी कुछ मजबूरियाँ तुहानू घेर लैंदियां ने आके, अज बहुत देर बाद लाइव आई हाँ। तो मैं भी तुहाडे बहुत सारे मैसेज आए, दिल तो आभारी हाँ। मैं भी जिस तरह तुसी मैनू मिस किया, मैं भी अपने परिवार नू तुहानू सब नू बहुत मिस किया। तो शुक्रिया तुहाडे सब प्यार और सपोर्ट का। हुण अज बड़ा एक संजीदा मुद्दा है कि मेरे को एक 70 साल की माँ आके रो रही है कि मेरे दो बेटे ते हसबेंड फाइनैंशली बहुत साउंड, मदर के नाम प्रॉपर्टी है, रोज़ मैं इन्ना तंग कर रहे ने कि हथों खाना तक खो के लै जाते हैं। और वो जी हरासमेंट है, उनके एक डॉटर इन लॉ भी शामिल है, बहुत दुखद है। एक होर माँ, उनकी भी यही शिकायत है कि मेरे बच्चे मैं तंग कर रहे हैं, जिंद एक डॉटर भी शामिल है। यह सारिया शिकायत मैं कल ऑफिस की हेयरिंग तो बाद छांट के रखिया ने, जड़िया सारिया मावां दियां ने, मदर्स दियां ने सारिया शिकायतां। ते ए एक मैं तुहानू शिकायतां दा दायरा दिखा रही हाँ। यह सारे नजायज संबंध, साडा समाज कित्थे जा रहा है। कुछ इन चो मेल जड़े अपनी मावां बहना को शिकायतां लगे ने कि साडियां औरतां, एक मैनू नवी चीज, साडी वाइफ दूजे आदमियों के नाल रह रही है या बंदे दूजी औरतां दे नाल रहन आ रहे। लुधियाना तो मैं नाम चेंज कर रही हाँ, कोई लेडी मैनू सीमा मैनू फोन ते उन्होंने साडे नाल गल की कि स्टेटस सिंबल बन गया है कि दूजी औरत रखना या दूजे बंदे दे नाल संबंध बनाना, ये साडे पंजाब मैं पहली बार सुनिया। मेरी भी शादी में 31 ईयर से 31 साल हो गए ने, यह कि स्टेटस सिंबल है, एक साडा कल्चर, असी अपनी आने वाली जनरेशन नू की मैसेज दे रहे हैं, यह कितने लैके जा रहे हैं, असी अपने अपने बच्चों की दे रहे हैं, ए नजायज संबंध और इन्हों का एंड की है, इन्होंने नजायज संबंधा का की एंड, की हल सरकार क्ढन गियाँ, की हल कानून करेगा सरकार अपनी जगह पर वुमेन की सुरक्षा ली, सम्मान ली, नए नए कानून लिया के नवा काम करी जा रही है, कानून नवे बनी जा रहे ने। संविधान भी टाइम आ गया, मैनू लगता है कि जड़े कानून बने हुए ने, कुछ कानून ऐदा दे ने जड़े न्यूट्रल नहीं है, ये ओ बंदे नू भी सपोर्ट नहीं करते। कुछ कंप्लेंट्स विच मेरे को कुछ एहोजिया कंप्लेंट्स ने जिंदे विच रेप दे झूठे चार्जेस लगे हुए ने, 376 न्यूट्रल नहीं हैगी, 376 न्यूट्रल कानून नहीं है। उन्हां बंदियां दे जिन्हां दे उत्ते झूठे रेप दे केस लगे हुए ने, वो कित्थे जान, कौन उन्हां ली, कौन उन्हां लई पैरवाई करेगा जिन्हां कोल साधन भी नहीं हैगे अपना पक्ष रखण दे, तो 376 भी न्यूट्रल नहीं है। तो अज साडा समाज किस दिशा च जा रहा है, साडियां मावां रो रही ने, साडे नजायज संबंधा का ए कंप्लेंट्स का जिहड़ा डाटा है, इहनू क्या साडी पंजाब गवर्नमेंट, यह समाजिक जिहड़ा ताना बाना है, क्या सरकार की रिस्पोंसिबिलिटी है ठीक करना, क्या कमीशन इस ताने बाने नू ठीक करेगा, नजायज संबंध कानून के दायरे च रह के जिहड़ी कानूनी कार्रवाई है वो असी करांगे, असी सरकार ते भी प्रेशर पावांगे, सरकार कोल भी भेजांगे, कार्रवाई होएगी। पर असी लोग की कर रहे हैं, या जिहड़ी औरतां ते हथ चुकिया जा रहा है, उन्हां नू मारिया जा रहा है, वो औरत कदों अपने लिए स्टैंड लेगी। मेरा सब तो वड्डा कंसर्न है कि जे 70 साल की औरतां या 50 साल दियाँ 60 साल दियाँ अपने बच्चों तो हैरास होकर मेरे को आ रही ने, मैं उत्थे गलती नज़र आती है कि जरो जो औरत की 25 साल 30 साल 35 साल की एज विआह होंदा है, और जो माँ बन जाती है और अपने आप नाल प्यार करना छड़ देंदी, अपने आप नू जीना छड़ देंदी है, वो बच्चे की जिंदगी जीन लग जाती है। और जो जिमें जिमें बच्चा 18 साल 21 साल का होंदा है, बच्चे नू अपनी एक स्पेस और अपनी एक दुनिया चाहिए है, और माँ उस टाइम सोचती है कि मैं हरास हो रही हाँ। कल मैं उस माँ नू पूछा, क्या प्राउड फील हो रहा है कि लोग कहते हैं कि सानू पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए, तो वह इन्ना रोई कि उन्होंने को मेरी इस गल का जवाब नहीं सी, कहती नहीं मैनू अज बड़ा ही अपनी कोख ते मैनू बड़ा ही मैं दुख महसूस हो रहा कि मैं एक औलाद कि मेरे ते हथ चुकते हैं, और रिटायर्ड हुई हुई एक अच्छा खासा लखा च अमाउंट मिले हुआ, एक फ्लैट उन्होंने नाम है, और हरास हो रही, यह बेशुमार शिकायत ने।
पर मेरा एक मैसेज है अज लाइवान का सारी वुमेन जनरेशन नू, सारे मेल नू भी। मैं मेल लिए भी टाइम टू टाइम आवाज चुकती रहनी हूँ। मैनू लगता वो समा आ गया है कि एक मैन कमीशन भी होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स बनिया हुआ पर प्रॉपर जो समाजिक ताना बाना है उनके लिए एक मैन कमीशन भी होना चाहिए। कानून च इक्वालिटी होनी चाहिए है जरूर, पर औरत लिए एक मैसेज है कि तुसी जड़ा हो चुका है, जड़ा गुजर चुका है या जड़ा तुहाडे नाल बुरा वक्त निकल गया है, वो लौट के असी उन्हें वापस तो नहीं ले आ सकते, पर जड़ा हुन हो रहा है असी उसनू रोक के अपना अंत ते बदल सकते हैं, अपने उस दी एंड नू चेंज कर सकते हैं उन्हें रोक के। ते देर जिंदगी च कदी भी नहीं, अपने हर पहले थप्पड़ नू रोको, अपने हर स्लैप नू रोको जड़ा तुहाडे नू स्लैप करदा है, तुहानू पहली हरासमेंट नू उत्थे ही स्टॉप करो और अपना सम्मान करो। ए मेरा मैसेज मेल लिए भी है, फीमेल लिए भी है। उम्मीद कर दी हाँ कि तुसी अपना ध्यान रखोगे। जय हिंद। सरकार अपनी जगह पे वुमेन की सुरक्षा ली, सम्मान ली, नए नए कानून लिया के नवा काम करी जा रही है, कानून नवे बनी जा रहे ने। संविधान च भी टाइम आ गया, मैनू लगता है कि जड़े कानून बने हुए ने कुछ कानून ऐदा दे ने जड़े न्यूट्रल नहीं है, ये ओ बंदे नू भी सपोर्ट नहीं करते। कुछ कंप्लेंट्स च मेरे को कुछ एहोजियां कंप्लेंट्स ने जिंदे च रेप दे झूठे चार्जेस लगे हुए ने। 376 न्यूट्रल नहीं हैगी, 376 न्यूट्रल कानून नहीं है। उन्हां बंदियां दे जिन्हां दे उत्ते झूठे रेप दे केस लगे हुए ने, वो किथे जान, कौन उन्हां ली पैरवाई करेगा जिन्हां कोल साधन भी नहीं हैगे अपना पक्ष रखन दे। तो 376 भी न्यूट्रल नहीं है। तो अज साडा समाज किस दिशा च जा रहा है, साडियां मावां रो रही ने, साढ़े नजायज संबंधा का ए कंप्लेंट्स का जो डाटा है इनू क्या साड़ी पंजाब गवर्नमेंट ए समाजिक जो ताना बाना है क्या है सरकार की रिस्पोंसिबिलिटी है ठीक करना, क्या कमीशन इस ताने बाने ठीक करेगा नजायज संबंध। कानून के दायरे च रह के जी कानूनी कार्रवाई है वो असी करांगे, असी सरकार से भी प्रेशर पावांगे, सरकार को भी भेजांगे, कार्रवाई होएगी। पर असी लोग की कर रहे हैं या जी औरतों पर हाथ चुकया जा रहा है, उन्होंने मारिया जा रहा है, वह औरत कदों अपने लिए स्टैंड लेगी। मेरा सब तो वड्डा कंसर्न है कि जे 70 साल की औरतां या 50 साल दिया 60 साल दिया अपने बच्चों तो हैरास होकर मेरे को आ रही ने, मैनू उत्थे गलती नज़र आती है कि जरो जो औरत की 25 साल 30 साल 35 साल की एज विआह होंदा और जो माँ बन जाती है और अपने आप नाल प्यार करना छड़ देंदी, अपने आप नू जीना छड़ देंदी है, वो बच्चे की जिंदगी जीन लग जाती है। और जो जिमें जिमें बच्चा 18 साल 21 साल का होंदा, बच्चे नू अपनी एक स्पेस और अपनी एक दुनिया चाहिए है, और माँ उस टाइम सोचती है कि मैं हरास हो रही हूँ। कल मैं उस माँ नू पूछया क्या प्राउड फील हो रहा है कि लोग कहते हैं कि सानू पुत्र चाहिए, तो वह इन्ना रोई कि उन्हां कोल मेरी इस गल का जवाब नहीं सी। कहिंदी नहीं, मैनू अज बड़ा ही अपनी कोख ते मैनू बड़ा ही मैं दुख महसूस हो रहा कि मैं कुछ औलाद कि मेरे ते हाथ चुकते हैं, पर रिटायर्ड हुई हुई एक अच्छा खासा लखां च अमाउंट मिलिया होया, एक फ्लैट उन्हां दे नाम है, और हरास हो रही है। यह बेशुमार शिकायतां ने, पर मेरा एक मैसेज है अज लाइवान का सारी वुमेन जनरेशन नू, सारे मेल नू भी। मैं मेल लिए भी टाइम टू टाइम आवाज़ चुकती रहनी हूँ। मैनू लगता वो समा आ गया है कि एक मैन कमीशन भी होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स बनिया हुआ पर प्रॉपर जो समाजिक ताना बाना है उनके लिए एक मैन कमीशन भी होना चाहिए। कानून च इक्वालिटी होनी चाहिए है जरूर, पर औरत लिए एक मैसेज है कि तुसी जड़ा हो चुका है, जड़ा गुजर चुका है या जड़ा तुहाडे नाल बुरा वक्त निकल गया है, वो लौट के असी उन्हें वापस तो नहीं ले आ सकते, पर जड़ा हुन हो रहा है असी उसनू रोक के अपना अंत ते बदल सकते हैं, अपने उस दी एंड नू चेंज कर सकते हैं उन्हें रोक के। ते देर जिंदगी च कदी भी नहीं, अपने हर पहले थप्पड़ नू रोको, अपने हर स्लैप नू रोको जड़ा तुहाडे नू स्लैप करदा है, तुहानू पहली हरासमेंट नू उत्थे ही स्टॉप करो और अपना सम्मान करो। ए मेरा मैसेज मेल लिए भी है, फीमेल लिए भी है। उम्मीद कर दी हाँ